उस ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये लाल है, ये कौड़ी है, ये पहचान बनाने के लिए सत्संग किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। नहीं तो पुण्यात्माओं, दो अक्षर की बात थी जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता, अरा भक्ति करो ठाट से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हृदय में ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधना है प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना, फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है ताकि आपकी रुचि बने, आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता, आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमारे ही अनुयार हैं, हमारे सृजनहार हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनमें से जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहब जी हैं, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, उन्होंने आँखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल पर पंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही हुनियार हैं, हमरे सृजनहार, कबीर परमेश्वर के बारे में बताया कि हमारे हुनियार हैं, हमारे जैसी सकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावें कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावें कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है, और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था, परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो नूर ही नूर है, आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुंदर में। कोई थ्योरी है इनकी, फिर क्यों डले डो रहे हो, जब वहाँ डूब के मरना है, समुंदर में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी कई इच्छा बनेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा, समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है। तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है, सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट, वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है उसमें राग द्वेष नहीं होता, वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है, और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, ये कि रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक, ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का, और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्यास रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तू वहाँ से ऐसे उठा लाया,
तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे, नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो कह प्रण मर ले है तने के कर दिया, एक नो कह भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कपड़ा खराब हो गया, और वो भी नो कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों, तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, यटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा, वहाँ तो हंस आत्माएँ हैं। और फिर वो शरीर दूसरा होता है, यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है तो कर्म बिगड़ गए उसके, तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है, या तो पांच तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका जो कितना सुंदर है, और इस पांच तत्वों से बना है, ये पांच तत्व कौन कौन से है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इसमें कितना दिखाई दे आपको, नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया, माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, पांच तत्व का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया और उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद जो शरीर वहाँ मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई, वो काया नहीं है वहाँ की, उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम, ऐसा ना वीरम, उसमें नाड़ी नूडी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो, तो वहाँ हर तरह की सुविधा सुख है। वहाँ जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहाँ फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहाँ जाने के बाद गलती नहीं कर सकते, जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएँ पैदा करते हैं कि यदि हम वहाँ चले गए जहाँ से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ हमने भगवान से आस्था हटा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए, तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहाँ जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है कि रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं हैं, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया, क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते हैं, भूल कर सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहाँ जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग हैं और कैसा लोक है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहाँ गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे किसी को, अपने मित्र को,
रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? हम बताओ, इतनी बुद्धि फिट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये नौ ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हड़ने जा पत्थर धक्के खाता, हमने के ठेका ले रखा यहाँ धर्म ने और मरने का ब्रह्म माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुँचाने में समय लगता है, उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने मारी, तो इस गड़ी हुई बुद्धि को गड्ढे में डाल रखी, इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उखड़ने लगती है, इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि महर्षियों ने, बट्ठा बठा रखा इस मानव का, परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, या कोई प्राणी सुखी नहीं है, सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो, और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा, जैसे राजा महाराजा राज्य देखे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एयर क्रिस्ट में, और ख़त्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते, फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है, अब काल को पता था कि इस समय में कलयुग में यो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पर भगवान पर विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने ये नकली पन चलवा दिए, ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया, इनको कह कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का, और ये बाल योगेश्वर पंथ और सतपाल का पंथ धनसादेश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं है, और यदि इनको कोई शंका आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ, अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है, तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो और मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं, कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20, और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे, इतना हो जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है, फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो और कदे ना हो एकाद राम रंग हरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं, निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना, एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का कि आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं, दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं, कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है, या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा है उसने किसी का, और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है, तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500-500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए,
तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, इन दोनों की तुलना करो, ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप छाप कर प्रिंट करवा कर करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था। और उस प्रयत्न को कोई न्यू कह के सरकार निंदा कर रही है तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापणीय गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात? तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी है और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो, ये काम का नहीं आवे तुम्हारा है, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। तो इस प्रयत्न को यदि कोई निंदा कहता है तो वो उस गिरोह का आदमी है जो नकली नोट छाप रहे हैं। इन डुप्लीकेट संतों के पास उसको कोई खास राहत मिल रही है उनसे, तो वो मना कर सकते हैं। खास राहत माने या तो कितना पोस्ट प्राप्त कर रहा होगा, या उनकी उन अड़ंगे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच रहा होगा, कहीं उनको पता लग जाए ग्राहकों को और वो फिर इन पुस्तकों को खरीदे नहीं, तेरा रोजी रोटी खत्म हो जा। या वो संत विरोध कर सकते हैं कि कहीं तुम्हारे चेले ना भाग जाएं। तो वो हितकारी नहीं, वो हितैषी नहीं उस अपनी उन अपने अनुयायियों के, वो अपने ही जाल में फंसा कर काल के मुंह में रखना चाहते हैं। तो अब जनता ने समझना पड़ेगा, भक्तों ने, कि तुम क्या साधना करें। अब जैसे जिस साधना से परमात्मा प्राप्ति हुई वो साधना उन संतों ने की जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे और सचखंड से फिर उनको वापस छोड़ा था अपने गवाह बनाने के लिए, आज उनकी वाणी में वही साक्ष्य मिलते हैं जो हमारे वेदों और गीता जी में मिलते हैं कि उन्होंने ये मंत्र जाप किए थे, इससे उनका मोक्ष हुआ, ये साधनाएं की थी, ऐसी उनकी क्रियाएं थी। तो जो जिन क्रियाओं से और जिन मंत्रों और जाप से साधना से परमात्मा प्राप्ति की जिन महापुरुषों ने, जिनके आज प्रमाण है कि उनको भगवान मिले, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी और उसी साधना से हम भगवान पा सकते हैं। अब जैसे कोई गण के साथ जांडी काटे, काट सके उसने, वो तो तीखी कवाड़ी लेनी पड़ेगी और फिर करके प्रयत्न दो घंटे हम काट देंगे। तो ऐसे ही सही हथियार औजार हमारे पास होंगे तो हम उस क्रिया में सफल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, उनको कोई लाभ नहीं। फिर किस लिए डले ढो रहे हैं? तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है? ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। 24वें श्लोक में तुरंत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, जो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार साधना करना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से अपने जो ना जीवन नाश ना करना, इसका ये सारांश है दोनों श्लोकों का, 16वें अध्याय गीता जी का, 23 और 24 में। तो पुण्यात्माओं, गीता जी में कौन सा मंत्र बता रखा है, कौन सी साधना बता रखी है? गीता जी में यज्ञों की जानकारी है, 3रे अध्याय में 10 से लेकर और 15 तक, कि तुम यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो
लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर, उसी को पूज्य मानकर, जैसे पौधे की जड़ को जड़ में सिंचाई करने से पौधा बड़ा हो जाता है, फल बन जाता है, और यदि किसी ने पौधा उल्टा लगा रखा और टहनियों को गमले में डाल रखा है और उसमें सिंचाई करा है, तो शास्त्र वो उसके प्रोसेस गलत है, उसका वो प्रोसीजर गलत है, उसकी विधि गलत है, उसको जड़ की तरफ पौधे को लगाना पड़ेगा, जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी, और फिर जड़ उस मूल में जल सिंचाई डाल करने से तो पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे। तो यज्ञ पांचों यज्ञ करनी है, वैसे तो पांच यज्ञ, और गीता जी में केवल एक ओम नाम लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्व पुरुष है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी का पिता है, और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के एक एक मंत्री हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है, और परम अक्षर ब्रह्म समझ लो असंग ब्रह्मांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर कुल मालिक वो वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जो सबके ऊपर निवास करता है, यानी सबके ऊपर वो कंट्रोलर है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था, और वो वेदों में लिखे हुए भगवान की उपमा के से ही नाम सेलेक्ट करके गुरु लोग अपने जो अनुयायियों के यजमानों के वह नाम रख दिया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण नोट वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ तो बहुत गहरा होता है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्यते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं तो उससे उनको लाभ कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेरी साधना ना करते। गीता जी उसमें लिखा कि तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी के रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अपनी साधना बताता है 7वें अध्याय के 16 17 और 18 में तीन श्लोकों में कि मेरे भी चार प्रकार के मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी आरत जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है क्योंकि इसने समझ लिया भगवान पाने के लिए हमने केवल सत साधना करनी होगी और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग दी, उन ज्ञानी आत्माओं ने, वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे वाली अनुत्तम गति में श्रेष्ठ रहे क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, उनको वासुदेव का पता नहीं चला। वासुदेव कौन है, वो समर्थ शक्ति कौन है, समर्थ का सरना गहो रंगोरी हो कदे ना हो अकाज राम रंगोरी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिलेनी जिस कारण से वो ऋषि जन वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्यते। बहुत बहुत किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में वो अपनी और पूजा कर रहा है, उन्हें ब्रह्म का बेरा को नहीं, किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में वो कुछ और ही साधना करे उनको भी पता नहीं, और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अंते, गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सैव आत्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत
बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम। सब कुछ का मतलब है वही सर्वसृष्टि रचना रहे, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो है ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते, और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक भक्त था झूमकरा नाम था, वैसे तो राम राय था उसका नाम, उसे झूमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहेब जी के पास पहुँच गए गांव छुड़ानी में, वो लुधियाना के पास वासीर गांव का एक सरदार था राम राय झूमकरा। तब ज्ञान से परिचित हुआ, वहाँ पहुँचा गरीबदास साहेब जी के पास, तब उसने कहा कि हे भगवान ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहेब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुँचे वो लोक वेद पहुँचा हुआ, नानक साहेब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बताया तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झूमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहेब जी से, वो सरदार जी के हे भगवान ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रहे झूमकरा, अरबों में कोई गुरख सुनो रहे झूमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कहे रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झूमकरा, ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिर, इन पैसा चाहिए तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरुपद के, और ये गुरु बने बैठे सारे। और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहे झूमकरा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई ग्रक है अपना। तो जैसे एक गाँव में और 15,000 की आबादी है तो गणे नहीं, तो उसमें तो 5,000 गुरु पाओगे, 5,000, ये तो थोड़े थोड़े बताऊं मैं। कैसे गुरु पाओगे, जैसे कोई तो झाड़ी लड़ियाँ पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु। फिर दूसरी बताओगी नौके इसका बर लीगा हो रहा है, इसके ऊपर 100 रुपया वायर का बर लीगा दर दे। तीसरी आओगी नो गई इसका भीतर लियागा हो रहा है, कुछ और बताओगी गुड़गाड़ गेहूँ गया वो रख दे। और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का हो रहा है वो दर दे, हैं और कितने ले जाएंगे वो क्या माथा टिकवा लिया वहाँ, कोई कहेगा वहाँ जोड़ मनवा लिया इसने। यानी एक ऐसे ऐसे 5,000 ग्रुप आएंगे उस पूरे गाँव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या भारत इस पूरे विश्व की, कहते करोड़ों में नहीं पावा था ना ये सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु से हैं जो लाखों ने भ्रमित करे, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटों में दे कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, अरबों में उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे आदरणीय गरीबदास साहेब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक है, तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है इस परम पिता परमेश्वर कबीर भगवान की, इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट, जो कह रहे अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज़ को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, जो कति गर्क ठोक रखा भाई खांड बराखी हो कोर भी हो, तो यानी वो चीज़ कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो और यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे।
न इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्मा, जब राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका, वो उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूँ ये कथा सुनाने का, और वहाँ और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि सातवें दिन परिणाम आना था तो सब ने पीछे हट गए, वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे, कि नहीं हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से उन पांडवों की प्रार्थना से, पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहाँ तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहाँ से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने सात दिन वो कथा सुनाई थी, उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरे, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखे वहीं संत और दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया, और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहाँ एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे, और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी ने आते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं, आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहा जो मकरा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। एक बार एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण कथा करे था, और पैसे के लालच में सात दिन की छोड़ उन्हें 30 दिन का रख दिया, 30 दिन कथा करूँगा भागवत की रोजाना, एक एक दो दो घंटा ऐसा शुरू कर दिया। उसने सोचा रोज के 2-4 रुपया होंगे तो भी 100-150 रुपये महीने में तेरे को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि 30वें दिन जिस दिन उसका कथा का भोग पड़ना था, उसने भोग का डंडोरा पिटवा दिया, आवाज़ लगा दी, उस दिन उसी गांव के कुछ व्यक्ति शरारती टाइप से कि भाई आज कथा का भोग लगेगा और इस ब्राह्मण के घने पैसे आवेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी दिन एक डांसर मंगा ली दिल्ली तक, और चंपाकली नाम था उसका, वो डांसर का उसी दिन प्रोग्राम रखवा दिया जिस दिन वह भोग पड़ना था सुबह सुबह। अब सारे गांव के वहाँ इकट्ठे हो गए, पंडित जी का तो 30 दिन में 30 रुपये आए, और उस चंपाकली का आगे 500 रुपये 2 घंटे में। अब वो पंडित जी ठाके उन 30 रुपया ने और चल पड़ा मायूस सा होके। कहाँ पहुँच गए आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर, उसके रास्ते में पड़ा था। तो उसने देखा सुना था कि वहाँ गरीबदास नाम के कोई संत रहते हैं, वैसे गरीबदास जी किसान थे, वैसे अलग से कोई आडंबर करके वह गुरुपद पर नहीं रहा करते, सिंपल धोती कुर्ता जो यहाँ का लिबास था पोशाक थी उसी में रहा करते थे। उन्हें पता करके वहाँ पहुँच गए जहाँ 5-7 भगत बैठे थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शिष्य,
और वो पंडित जी भी पहुंच गया, प्रणाम हुआ, बैठने का आसन दे दिया, बैठ गया और पूछा, क्योंकि वेशभूषा पंडित की नारी होया करती, गरीबदास जी ने कहा पंडित जी ठीक कुशल हो? पंडित जी का माथा ठणक रहा, त्योड़ी पड़ी, कहने लगे महाराज क्या ठीक है, आग लगी पड़ी है, हाहाकार मच गई है और दुनिया का तो नाश जाएगा, ये हो गया और वो हो गया। अब काफ़ी उलाने सुलाने दे रहा था तो शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे गरीबदास साहब जी से कि महाराज जी पंडित जी को क्या तकलीफ है, कुछ बता भी नहीं पा रहा है ये। तब गरीबदास जी ने कहा भाई बताऊं क्या समस्या इसके सामने है, फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपा के लिए 500 और मनीराम को 30, यो रोला पड़ रहा है इसके जी ने। अब क्या है कि इसने कोई सुड़क कथा करे था यू, जबकि मनीराम नहीं बताना चाहता था, वो तो अंतर्यामी थे गरीबदास साहब जी, उसकी बता दी सच्चाई। फिर वो मनीराम कहने लगा महाराज आपने क्यों करबेरा पट्टा, आपको कैसे पता लगा मेरी समस्या का? बोला भाई भगवान की दया होगी हो रही है मेरे पे इसलिए पता लग गया, लेकिन तूने अपनी समस्या का पता नहीं, मुझे तेरी समस्या का पता है। अब एक बात बता, तू गाली दे रहा उनके गांव के उन शरारतियों को, और तेरा क्या उद्देश्य था वहां पर? तू चंपा के लिए ना बूंदी मान रहा, तेरा क्या उद्देश्य था? अगर तेरा उद्देश्य पैसे का ना होता तो बातें खत्म थी, तेने कहने की जरूरत नहीं थी, तेरा अपना फर्ज पूरा किया रहा जाता, तेरा खाना पीना छूट रहा। बोला जी बात तो नहीं होगी ना। फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया क्यों नर कट्ठे क्यों डले ढो रहा, नालायक तेरे कर्म फूट गए, तो है अधिकारी कथा करने का? जब गरीबदास जी ने कहा कि उस समय कहाँ मर गए थे तुम ये सारे ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को सर्प डसना था, या महर्षियों ने जितने जिनको तुम आजांडी मान रहे हो उन्हें भी हाथ जोड़ दिया था, हम नहीं इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते, हम कथा के अधिकारी नहीं है, हम क्यों पाप के भागी बने? अब तुम्हें ज्ञान नहीं इसलिए तुम जहर विष खा रहे हो। उसी दिन उस ब्राह्मण ने चरण पकड़ दिया महापुरुष के और कहने लगा भगवान आज के बाद ये नरक ये इकट्ठा नहीं करूँगा, कल्याण करवा तेरे भगवान ने दो रोटी दे रखी और मजदूरी कर ले, कोई साधन नहीं है तो। तो उसी दिन से उसने वो परित्याग कर दिया और छोड़ दिया। तो ज्ञान पता चलेगा कि ये विष है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध साधना, उस दिन त्याग देंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि जो गीता जी में वर्णित है वो तो शास्त्र अनुकूल साधना, श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यह अक्षर है, एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ना हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवती वासुदेव नमः, एमे नमः, ये एंड बैंड के नाम है ना, ये मोक्ष के नहीं है, ये शास्त्र विदिता का मनमाना मंत्र है, जाप है ये ज्योति निरंजन रंकार ओंकार सतनाम, और ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मोक्ष के मंत्र नहीं है, और ये सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम और भी पता नहीं कितने अटबट के मंत्र जितने मुँह उतने मंत्र दे रखे, नहीं। सूक्ष्म वेद में कहा है परमात्मा ने और मंत्र कोटों हैं उनसे मोक्ष नहीं होगा, नरे नाम है वैसे तो करोड़ों उनसे कोई मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष का तो एक ही मंत्र है। जैसे ब्रह्म तक की साधना का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो इस नाम का जाप अंतिम श्वास तक यानी मृत्यु मरते दम तक
इसी का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्म की साधना से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। जो श्री मद देवी भागवत सातवें स्कंद में दुर्गा देवी जी स्वयं हिमालय राजा को बता रही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, पृष्ठ 562-63 पर, उसमें क्या बता रखा है? पहले तो वो अपनी साधना के विषय में बताती है कि मेरी साधना करनी है तो ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। तो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो बताया जाता है। उसका एक ओम नाम है, उसका ओम नाम जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई पूजा नहीं करनी, और उसको यानी ब्रह्म को पाने का टारगेट रखो, उद्देश्य रखो, अंत समय तक साधना करते हुए तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में है। ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक, समर्पित हैं परमात्मा के लिए, और ये मेरे वाली अनुतम यानी कति घटिया अश्रेष्ठ साधना में गति में ही स्थित हैं। यानी मेरे से होने वाली, ब्रह्म से होने वाली, ओम नाम से होने वाली गति ही इनको प्राप्त होगी, या तो अनुतम है। जन्म मृत्यु मेरे भी रहेंगे, अर्जुन तेरे भी रहेंगे, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता ब्रह्म 4वें अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 2वें अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में ये खुद कहता है, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए ये कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 3रे-4थे श्लोक में बताया है कि उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर यानी इसको समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने आत्मा में प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना का, और उससे क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्म प्राप्ति। अब 7वें अध्याय के 18वें में तो अपनी साधना को अनुतम यानी अपनी गति को अनुतम बता दिया कि ओम से होने वाली गति परम गति भी अनुतम, क्योंकि ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्म लोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु, इसलिए कहा वो भी व्यर्थ है, अनुतम है। अरिनुवादकर्ताओं ने लिख रखा है वो अति श्रेष्ठ है, इन्हें डिक्शनरी बदलवा दी, शब्दों के अर्थ कर रखे, जैसे किसी जगह अंग्रेजी में बैड लिख रखा है, वो बैड, बैड माने खराब, और बैड का अर्थ कोई गुड लिखे, कितना बुद्धिमान है वो समझा नहीं उस वो सेंटेंस क्या बताना चाहता है, उसको समझ नहीं सकने से उसने उसको अनर्थ कर दिया। ऐसे ही गीता के इस तत्व ज्ञान को ना समझने से गीता के अर्थों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में। ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे 70 की सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, ओम नाम के जाप को मुझे दे दे, फिर एकम शरणम व्रज, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम अद्वितीय। इन्होंने वह आना लिख रखा है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो ये और अन्य नाम देते हैं, ये हरे राम, हरे कृष्ण, श्री राधे, ये शास्त्र भी दीता कम नमान आचरण है इनका, जो 16वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार व्यर्थ है। यही गीता ज्ञानदाता कहता है, इस कारण से ये मेरी साधना भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी गति भी अनुतम है।
और इसीलिए सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करता है, नहीं तो नीचे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती इन में लगे रहे। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा, वही पाप नाशक है, आपकी आयु भी बढ़ाएगा, आपके संकटों के विघ्नों को भी नाश करेगा। और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिले हैं, उनको सत साधना से परिचित करवाया है, उन्होंने जो सत साधना की वो अपनी अमृतवाणी में पहले ही साक्ष्य प्रमाणित रख रखे हैं, वो परमात्मा के साक्षी हैं कि सचमुच वो परमात्मा ऐसी ये साधना देता है। और वही आज सदग्रंथ बता रहे हैं, ये तो ब्रह्म का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ब्रह्म तक की साधना का मंत्र है ओम। फिर 8वें अध्याय के 1वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसकी जानकारी जिसको होगी, सारे अध्यात्म की का ज्ञान हो गया, सब कर्मों का ज्ञान हो गया, तो वो प्राणी केवल, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या वो अध्यात्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो कहता है मेरी भक्ति कर मेरा ओम नाम है मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु तेरी रहेगी मेरी भी रहेगी। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, फिर उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाएगा। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उस परमेश्वर की के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उसका मंत्र क्या है, उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत उसके डिटेल बता सकते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। अब 3 मंत्र की साधना है, जैसे हमने हैंडपंप लगाना है तो हैंडपंप लगाने के लिए जो प्रयत्न है वो पूजा नहीं, पूजा तो जल की कर रहे हैं जिस जो हमने ढूंढना पाना है, तो वो जो साधनाएं हम करते हैं ये साधना तो ये समझ लो ये पूजा नहीं है। कोई नू के ओम नाम का जाप देते हो, और उधर से ओम तो काल का जाप है। अब हमने क्या करें, लो तो लोहे कट्या करें, लोहे से लोही कट सकता है, तो हमने अपने उद्देश्य को पाने के लिए यह लिखा कि ओम तत्सतीति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ओम ब्रह्म का सर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष 3 भगवान बताए, पुरुष माने प्रभु, पुरुष इसलिए कहा मनुष्य को क्योंकि परमात्मा पुरुष जैसा ही है, वो पुरुष है, हम डुप्लीकेट पुरुष हैं, हम उसके उस जैसे होने से हमें भी पुरुष कहने लग गए, वास्तव में पुरुष माने परमात्मा प्रभु, पुरुष कहो ब्रह्म कहो। तो यहाँ कहते हैं सर पुरुष अक्षर पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष 2 प्रभु बताए हैं, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष। ये सर्पुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म सर्ब्रह्म कहो इसको, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, एक ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है इसकी 21 ब्रह्मांडों में ऐसी ही है, लेकिन उन अन्य में प्रलय है, जब इसमें प्रलय होगी तो इन सब जीवों को दूसरे में ले जाएगा, वहाँ धीरे धीरे ऐसे सृष्टि बनेगी, फिर उसका अंत होगा, फिर तीसरे में ले जाएगा, ऐसे ये पूरा घुमाता रहता है, लेकिन ये एक ब्रह्मांड के अंदर संचालन अपनी सारी सृष्टि का करता है। तो 21 ब्रह्मांड है इसके इसके पास, और जो सर अक्षर पुरुष है उसको परब्रह्म भी कहते हैं, उसके 7 संख ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे। और जो पर जो तीसरा 17वें श्लोक में जो 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, 16वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो 2 पुरुष कहे हैं सर्पुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहा जाता है। और उसके पाने के लिए अब उस परम अक्षर ब्रह्म की वही 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है,
ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का, केवल इस ओ तीन मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सर्वपुरुष भी कहते हैं। ये सर्वपुरुष का हम अपनी संत भाषा में, हमारे महापुरुषों ने इसको सर्वपुरुष का अक्षर, और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं, तो अक्षर और अक्षर। लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, दो पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी निवृत्ति का देख की, ना कुत्ते की ना सूर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं ये सब की मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अवैश्वर, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये तीन मंत्र की साधना है, ओम सर्वपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। ये सांकेतिक है तत्, ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये गुप्त है। तत् और सत ये यानी कोड वर्ड है इनमें, ये दास के अतिरिक्त इनको कोई नहीं बता सकता। और दास से प्राप्त इस ज्ञान से कोई वैसे किसी को बता भी देगा उसका अपना भी नाम खत्म, दूसरा कल्याण होना है को नहीं, दोषी होगा उसका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि अधिकारी के बिना आप कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनाकर देते हो, पासपोर्ट बनाते हो डुप्लीकेट, तो आप भी सजा के पात्र और बनवानियाँ भी, दोनों ठोके जाएंगे जेल में। तो ऐसा समझदार व्यक्ति गलती नहीं कर सकता, अपराधी व्यक्ति के व्यक्ति ही ऐसा किया करते हैं। तो जो भगवान के अपराधी हैं, दोषी हैं, वही इन मंत्रों को मुझसे प्राप्त करके इस दास से वो स्वयं प्रभु बनने की चेष्टा करेंगे गुरु, तो वो अपना भी जीवन नाश करेंगे और उन प्राणियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, समरथ का शरण गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। इस दुख द्वंद में, उपाद में, बकवाद्या में सब जीव लगे हुए हैं, उस समर्थ की पूजा नहीं करते हुए। समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जन्म जन्मांतर के पुण्य और सत साधनाओं का जब संग्रह हो जाता है तब परमात्मा मनुष्य जीवन देता है। और भी अत्यधिक जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके वे सतगुरु शरण ग्रहण कर पाते हैं, वो अत्यंत पुण्यकर्मी होते हैं। उनमें से आप जी हो, कोई भी कारण आपके लिए बना, आप परमात्मा के चरणों तक पहुंच गए हो, चाहे कोई किसी कारण से भी आया है, कोई दुख के कारण यहाँ आया है, कोई संकट के कारण आया है, तो वो संकट वो दुख उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि वो आपत्ति उस पे नहीं आती तो वो प्राणी यहाँ नहीं आता।
कुछ पुण्यात्माएं ऐसी हैं जो केवल परमात्मा की ही तलाश में लगी हुई हैं, वो भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं और वो परमात्मा की चाह उनके लिए वरदान बन गई कि वो यहाँ पहुँच गए। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते हैं तो वो कर्महीन हैं, और जो भक्ति कर भी रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करने वाले संतों के पास चले गए हैं, जो शास्त्र विधि रहित साधना करवा रहे हैं, तो उनका जीवन भी व्यर्थ है, वो भी कर्महीन है। तो पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन की प्राप्ति बार बार नहीं होती। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आकर के इस तत्व ज्ञान को बताते हैं और समझाते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली साकेट बलो न पूत, छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख ना ही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान।